हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 मार्च अक्टूबर के ने जो असाइनमेंट 3 जारी कर दिए हैं, तो उनमें से हम आपके पास क्लास 10 साइंस का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जो बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपके असाइनमेंट दिन क्लास 10 साइंस का असाइनमेंट पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है अयस्क, दूसरा दिया हुआ है खनिज, तीसरा दिया हुआ है धातुमल, चौथा दिया हुआ है गालक। दोस्तों वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे कि आपको इसकी पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। पहला दिया पॉइंट दिया हुआ है अयस्क का सांद्रण, दूसरा दिया हुआ है ऑक्साइड का धातु में अपचयन, तीसरा दिया हुआ है बात्या भट्टी का रामायण चित्र। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है दोस्तों धातु और अधातु में कोई चार अंतर लिखिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर स्थित हों तो उसके सम्मुख रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या चित्र सहित बनाइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, स्नेल का नियम लिखिए। दूसरा दिया हुआ है पॉइंट, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसके आंसर हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित को संक्षेप में बताइए, अयस्क, खनिज, धातुमल, गालक। तो पहला क्वेश्चन पहला पॉइंट दिया हुआ है अयस्क, तो इसका होता है, इसमें दिया हुआ है ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती हैं तथा जिनमें धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है कहलाता है। मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीड, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर इसके बाद दिया हुआ ऐसा कहलाता है। फिर इसके बाद खनिज दिया, खनिज के बारे में दिया हुआ है, खनिज भू प्रॉपर्टी प्रकृति रूप में पाए जाने वाले ठोस कार्बनिक पदार्थ का रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज कहलाते हैं। फिर तीसरा दिया धातुमल, धातुमल में दिया हुआ है, सिलिका से क्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाती है जिसे धातुमल कहते हैं, जो पिघली धातु की ऊपरी सतह पर करता है जिसे आसानी से धातु से पृथक किया जा सकता है। फिर इसके बाद गालक दिया हुआ, गालक में दिया हुआ है, गालक या फ्लक्स वह पदार्थ जो रासायनिक सफाई के लिए प्रभाव को सुगम बनाने के लिए या शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। एक ही उपयोग में फ्लक्स कई तरह के कार्य कर सकता है, उदाहरण के लिए गंधराल का उपयोग टाँका लगाने में किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें नित्या स्टडी पॉइंट .com, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया था, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। तो पहला दिया हुआ था पॉइंट दिया था अयस्क का सांद्रण, दूसरा दिया था ऑक्साइड का धातु में अपचयन, तीसरा दिया बात्या भट्टी का रामायण चित्र। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है जिसका निष्कर्षण निम्न पदों में करते हैं। अयस्क का सांद्रण दिया पहली हेडिंग, अयस्क को दो खदानों से प्राप्त करने के पश्चात उसे काट कर महीन में बदला जाता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है ऑक्साइड का धातु में अपचयन, तो इसमें दिया हुआ है 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। रिएक्शन दी हुई है 2C+O2 गिप्स 2C+O2 गिप्स 2CO। तो दोस्तों,
अगला देख लेते हैं। अगला दिया कार्बन मोनोऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है। ये रिएक्शन दी हुई है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी प्रेस की। और अगला दिया वात्या भट्टी का चित्र। दोस्तों ये वात्या भट्टी का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप जल्दी से देख लीजिए, ये दोस्तों दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये धातु और अधातु में कोई चार अंतर। तो पहला दिया हुआ पॉइंट, सभी धातुएं चमकीली होती हैं जबकि धातु में कोई चमक नहीं होती है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं जबकि अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, धातु कठोर होती है जबकि अधातु अक्सर भंगुर होती है। चौथा पॉइंट दिया हुआ है, धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जबकि धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया था दोस्तों, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर स्थित हों तो उसके सम्मुख रखे किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या चित्र सहित बनाई गई, तो इसको आपको बना लेना है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, इसने पाँचवें का नंबर क्वेश्चन दिया, स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम दोस्तों देख लेते हैं। स्नेल का नियम दिया हुआ है, किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है। जब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या में निश्चित अनुपात होता है तो इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया था क्वेश्चन, एक मछली तालाब की सतह से 7 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है, अतः वास्तविक गहराई बराबर 4 तथा आभासी गहराई 3, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई। तो दिया हुआ है इसमें, अर्थात जल के भीतर किसी वस्तु को बाहर से देखने पर वह अपनी वास्तविक गहराई की गहराई पर ही वास्तविक गहराई बराबर आभासी गहराई। तो ये दोस्तों थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर क्लास 10th और 12th के और सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियो जो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।